मैं करमवीर बोध, मैं हरियाणा चंडीगढ़ से आया हूँ और बाबा साहब की विचारधारा से मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा हरियाणा और भाई सुधीर साथ में बैठे हैं। तो बाबा साहब की विचारधारा को हम घर घर पहुँचाने के लिए हरियाणा में या पूरे इंडिया में जो है ना बहुत कई सालों से लगातार काम कर रहे हैं। मैंने एक हमारी बहन को देखा, एक पर्दा कर रही थी और उस हाथ में बाबा साहब का झंडा था और जो है ना बाबा साहब की दीक्षा के सम्मेलन में जब आ रहे थे तो मुझे बड़ा ऐसा महसूस हुआ कि एक हमारी बहन और इस दीक्षा भूमि में जो है ना एक पर्दा ढक रही है। तो मैंने माननीय जो है ना उनके जो है ना पति देव से बात करी तो उन्होंने कहा कि मेरी वाइफ है और मैं कि भाई ये पर्दा क्यों ढक रही है आपसे। इन्होंने कहा मैं मेरे से पर्दा नहीं है, ये हमारे समधि से पर्दा है। तो मैंने समधि जी से, क्या नाम आपका? दीवान सिंह गौतम है जो बुद्ध की विचारधारा बाबा साहब से परिपूर्ण है, लेकिन बहन जी को पर्दा देख कर मुझे लगा और मैंने अनुरोध किया कि गौतम जी कि ये जो ना बहन है ये पर्दा क्यों कर रही है। तो मैंने बहन से रिक्वेस्ट करी कि मैं तैयार हूँ और मैंने गौतम जी से अनुरोध करा कि आप 100 रुपये देकर आज पर्दा उतारेंगे, क्योंकि सदियों को जो बाबा साहब ने लड़ाई लड़ी थी इस देश में छुआछूत और भेदभाव की, उस लड़ाई का भी एक अंग है कि हम पर अगर हम ही उसी विचारधारा को अपनाएंगे दूसरों को क्या शिक्षा देंगे। तो आज गौतम जी ने ये माना और हमारी बहन ने माना, मैं सबसे पहले मैं इनको अपनी बहन मानकर जो है ना 100 रुपये से जो है ना एक सम्मानित एक कर रहा हूँ और जब भी कभी भी मुझे भाई की तरह याद करेगी, कहीं भी याद करेगी पूरे इंडिया में, मैं इनके साथ खड़ा हुआ मिलूंगा। एक भाई का जो फर्ज होता है वो निभाने का मैं फर्ज करूँगा, क्योंकि मैं बाबा साहब के परिवार से जो है ना संबंध रखता हूँ और मैं हमारी बहन से बिल्कुल छोटा ज़रूर हूँ लेकिन मैं बहन के साथ खड़ा जो है ना हमेशा खड़ा हुआ मिलूंगा। तो मैं अनुरोध करता हूँ गौतम जी से कि वो जिसकी वजह से पर्दा जो ना कर रही थे उनसे अनुरोध है कि वो 100 रुपये दें और हमारी बहन का पर्दा हटवा कर जो है ना एक बहुत बड़ा काम देश में करें। भाई गौतम जी जो है ना 100 रुपये दें और वाले बड़े आदर से और जो है ना आप मैं आप हाँ